शिक्षा सबसे अच्छे मित्र है। शिक्षित व्यक्ति सभी जगह सम्मान पाता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डॉक्टर जी एस घोरिए। ही इज़ अ वेरी फेमस इंडियन सोशोलॉजिस्ट। डॉक्टर जी एस घोरिए जी को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो आ गए आप। वेलकम बैक इन आवर चैनल ट्विंकल तेवतिया। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ इंडियन थिंकर्स। हम सबसे पहले देखेंगे जीवन परिचय। यस, प्रोफेसर जी एस घोरिए जी का पूरा नाम प्रोफेसर गोविंद सदाशिव राव घोरिए था। उनका जन्म 12 दिसंबर 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र मालवा क्षेत्र के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉक्टर जी एस घोरिए जी ने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1919 ईस्वी में संस्कृत एवं बाद में अंग्रेजी में बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त कर एमबीए की परीक्षा पास की। एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में ही घुरिए संस्कृत के प्राध्यापक बने। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स को प्रथम प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जी एस घोरिए जी को पैट्रिक गेट्स के अनेक व्याख्यान सुनने को मिले, जिससे वे अत्यधिक प्रभावित होकर उनकी रुचि समाजशास्त्र में होने लगी। उसके बाद प्रोफेसर घोरिए जी ने गेट्स के नेतृत्व में एक नगरीय केंद्र के रूप में बम्बई, एक नगरीय केंद्र के रूप में बम्बई विषय पर लेख लिखा और घुरिया जी का चयन समाजशास्त्र के उच्च अध्ययन के लिए कर लिया गया। 1922 ईस्वी में रिवर्स के निदर्शन में घुरिया जी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, जाति का प्रजातीय सिद्धांत विषय पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। 1934 ईस्वी में घुरिए जी को प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया और 1959 ईस्वी में वे यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर जी एस घुरिए जी की सेवाएं लेने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय ने उनके लिए एमरिटस प्रोफेसर का नया पद बनाया। पैट्रिक गेट्स के उपरांत बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभालने वाले प्रोफेसर घोरिए प्रथम भारतीय विद्वान थे। प्रोफेसर घोरिए जी अपनी सेवामुक्ति तक इस पद पर शोभायमान रहे। बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर घोरिए जी को प्रथम सेवामुक्त आचार्य नियुक्त कर सम्मानित किया गया। एंड देन डॉक्टर जी एस घोरिए जी ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेट JRF में इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका भारत में नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में से एक है। इस पॉइंट को ध्यान से देखें। प्रोफेसर जी एस घोरिए जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1983 को 90 वर्ष की आयु में बंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ये था डॉक्टर जी एस घोरिए जी का जीवन परिचय। आइए देखते हैं इनकी कृतियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जी एस घोरिए जी ने भारतीय समाजशास्त्र के विविध विषयों पर लगभग 31 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं और 800 एमए के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क एवं 80 छात्रों को डॉक्टरेट हेतु शोध कार्य करने के लिए निर्देशित किया। प्रोफेसर घोरिए जी का लेखन विश्वकोशीय प्रकृति का था। फर्स्ट कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, डॉक्टर जी एस घोरिए जी की यह पहली बुक है। सेकेंड अब ऑर्गन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर,
आदिवासी और उनका भविष्य 1943। इस बुक में आदिवासियों की समस्याओं की ऐतिहासिक संदर्भ में चर्चा की गई है। थर्ड, कल्चर एंड सोसाइटी 1945। यह बुक संस्कृति एवं समाज से संबंधित है। फोर्थ, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961। इस बुक में घुरिया जी ने जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों, जाति की उत्पत्ति, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय एवं जाति के भविष्य आदि विषयों पर चर्चा की गई है। फिफ्थ, सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962। यह बुक सभ्यता और संस्कृति पर आधारित है। घुरिया जी की सिक्स्थ बुक है द महादेव कॉलेज 1963। घुरिया जी ने महाराष्ट्र की कोली जनजाति का अध्ययन किया है, कार्य क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। सेवेंथ बुक है घुरिया जी की द इंडियन साधु 1968। इस बुक में घुरिया जी ने साधुओं का अध्ययन किया, जैसे सैव, दशनामी और वैसन वैरागी का सविस्तार वर्णन किया है। साधु त्याग के प्रतिमूर्ति हैं और विदेशी आक्रमणों के समय धर्म की रक्षा करते हैं। एट, सोशल टेंशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक तनाव 1968। यह राजनीतिक समाजशास्त्र की बुक है। इस बुक में तमिलनाडु में हुए भाषाई दंगों का विश्लेषण हुआ है। डॉक्टर घुरिया जी ने इस बुक में महाराष्ट्र के लोनीकांड गांव की सामाजिक संरचना का भी अध्ययन किया। विदर इंडिया 1974। टेंथ, वैदिक इंडिया 1979। यह बुक भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को पुष्ट करती है और वैदिक इंडिया में ऋग्वेद के आधार पर प्रक्रियात्मक संबंध विद्वान हैं। ये थी डॉक्टर जी एस घुरिया जी की कृतियाँ और अब देखते हैं अदर मोस्ट पॉइंट्स। डॉक्टर जी एस घुरिया जी ने अपने लेखन में तुलनात्मक, ऐतिहासिक एवं भारत शास्त्रीय अध्ययन पद्धति को अपनाया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन, इस अध्ययन पद्धति को भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या सांडम्य परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में भारतीय इतिहास तथा महाकाव्य जैसे परंपरागत स्वरूपों को आधार माना है, इसीलिए इसे पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। प्रोफेसर जी एस घुरिया जी भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, नातेदारी व्यवस्था, ज्ञान एवं मूल्यों तथा भारतीय नगरों जैसे अखिल भारतीय विषयों पर अपने अध्ययनों में इसी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। प्रोफेसर घुरिया जी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बम्बई के 1945 से 1950 ईस्वी तक अध्यक्ष रहे। थर्ड, जी एस घुरिया जी ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1952 ईस्वी में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो वर्तमान में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में से एक है। मैं बता दूं कि जी एस घुरिया जी ने अपनी रचनाओं का आधार जाति व्यवस्था, जनजाति, सभ्यता, ग्राम नगर, विवाह, परिवार, नातेदारी प्रथा, धर्म आदि को रखा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।